के मानव भारती विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 194 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया है। प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू के मुताबिक ये प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से डिग्रियां बेचने, संपत्ति अर्जित करना शामिल है। मानव भारती विश्वविद्यालय से 55 हार्ड डिस्क बरामद की गई है। पूरे मामले में अभी भी जांच चल रही है। ये जो मानव भारती यूनिवर्सिटी का जो स्कैम है, इसमें धर्मपुर पुलिस स्टेशन में 22 नंबर, 26 नंबर और 27 नंबर एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हिमाचल प्रदेश पुलिस की एस्टैब्लिश करने का एक फैसला लिया था और उसको अनाउंस किया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश पुलिस और मेरी लीडरशिप पे उन्होंने कॉन्फिडेंस रखा और हम पे पूरा भरोसा रखा और हमने इसको बड़ा प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट किया। और एडीजी रैंक के इसमें हेड थे, आईजी हिमांशु मिश्रा थे, डीआईजी बिमल गुप्ता थे और चार टीम्स जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रही थी उसकी लीडरशिप एसपीज को थी। कुल मिला के एक बड़ा अच्छा प्रोफेशनल डे है हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए कि जो हमने अब तक की चार पाँच महीने की इन्वेस्टिगेशन की थी उसमें हमने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या मनी लॉन्ड्रिंग पाया गया और उसको कल ईडी ने अटैच कर दिया है। और ये मेरे को लगता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा केस है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का। और जो ये हमारी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन है उस पर ईडी ने अब मोहर लगा दी है। हम इस जो स्कैम है उसके तह तक पहुंच गए हैं। अभी तफ्तीश जारी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमको 55 हार्ड डिस्क मिले थे जिसमें से 14 एग्जामिन किए थे। 14 जो हार्ड डिस्क में थे 41,000 डिग्रीज हमने पाई। 41,000 में से 5,500 एचपी प्राइवेट एजुकेशनल रेगुलेटरी कमीशन ने बोला देवर बोनाफाइड स्टूडेंट्स, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि 36,000 के करीब देवर नॉट बोनाफाइड स्टूडेंट्स। बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और इन्वेस्टिगेशन में जो जो आएगा वो हम एविडेंस के तौर पर कोर्ट में भी पेश करते हैं।